तो बहुत ही मजा आ रहा है, पुरानी यादें जो है हमारी ताजा हो गई है। नहीं कोई बात, हम बीवी का जो है उन सबसे चार गुना ज्यादा तारीफ करेंगे। लगता है शादी के बाद पहली बार ही मुलाकात हुई है अपनी भाभी से। 5 साल पहली बार मुलाकात हुई, तो बताओ कैसा लगा भाभी? सारा राज खोल दो, क्यों नहीं गई थी शादी में, और भाभी तुमको कैसे लगी सबसे पहले ये बात बता दो। आपको बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा। आपको नहीं, हमको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, तुम बोलो जो बोलना है। भाभी के बारे में हमने सुना था कि सब काम नहीं करती है, बच्चे पे ध्यान नहीं देती है। मेरा भैया ज्यादा अच्छा है, भाभी उतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, आप किसी के बीच में आके दरार बनाते हो तो जो सच है वो एक दिन सामने आ जाएगा। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी आज का दिन है रविवार। जी हाँ, आज रविवार है, वैसे तो हमारा छुट्टी ही चल रहा है, तो रविवार को लेकर के कोई सा खास बात नहीं है। और फिलहाल जो है हमारा बेटा वहाँ पर, उसको मिल गया है टब, जो कि उसका पसंदीदा खिलौना है, यहाँ पर आकर के तो अपने टब में खेल रहा है। सभी का यहाँ पर चाय पानी सब हो चुका है, और हम लोग जा रहे हैं मामा जी आपके पनकी पराव। हमको आज तक वो गुजिया याद है, पनीर पकौड़ा याद है, मिर्च पकौड़ा याद है, वो तो बहुत ही है। पनीर पकौड़ा के मामले में तो खाने की बात ही नहीं। अच्छा, तो जाते हैं लाते हैं, एक बार मम्मी सबको भी टेस्ट करा देते हैं, जिया भी टेस्ट कर लें, अमर बुलटी जाएंगे। तो अभी आपने सुना होगा हम बोल रहे थे कि हम और बुलटी जा रहे हैं, तो बुलटी जी उसका निक नेम है, वैसे उसका नाम है निशांत, और वह है हमारा भाई। तो हम लोग जो है बचपन के लंगुटिया यार थे, अब जो है यह बैंक में है, लेकिन आज भी तुमको बुलटी ही बोलेंगे। यहाँ अधिकारी और ओहदा को मैंने नहीं रखा है, वह मेरा भतीजा है, और भतीजा वह बेटा से कम नहीं होता है, कितना भी बड़ा आदमी हो जाए पैर वही छुएगा। सही बात है, बिल्कुल जी। हाँ देख सकते हैं अपना यह व्यस्त है, और इसको जो अपना 3-4 पेन यहाँ पर मिल गया है। हाँ पेन मिल गया तुमको, पेन मिल गया, अब क्या करेगा बताओ, अब क्या करना है? और कुछ नहीं, पेन को अब नीचे फेंकेगा इससे। तो यहाँ पर जी अब निपटाया जा रहा है लेज कुरकुरे ये सब चीज को। मैं क्रियांश के लिए आया, आपके लिए नहीं, आप जो सोच के बोल के लेके निकल जाए। नहीं कोई बात नहीं, क्रियांश ही खाए, फिलहाल उपासना खत्म कर रही है, ये अभी खराब नहीं हुआ है, स्वाद ठीक है ना अभी, खत्म कर। हाँ आइसक्रीम लेते आइएगा। पनीर पकौड़ा ला रहे हैं, मिर्च पकौड़ा ला रहे हैं, गुजिया ला रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा वो। आइसक्रीम भी लेके आइएगा, आइसक्रीम इतना सुबह सुबह आइसक्रीम खाएगी ठंडी में। A few moments later. तो हम लोग आ गए जी पनकी पराव, और यहाँ से जो है गुजिया सब सब कुछ उठा लिया है। हमें याद आ गई आज से ठीक लगभग 7-8 साल पहले की, जब हम यहाँ पर रहा करते थे और यहाँ से जो है गुजिया उजिया सब अपना खाया करते थे। तो चलते हैं, इस बार माँ को भी खिलाते हैं, वाइफ भी खाएगी, सभी लोग खाएंगे। One hour later. यहाँ पर जी हमारा लग गया नाश्ता, और यहाँ आ गया यह पनीर पकौड़ा, जैसा कि देख सकते मेरे हाथ में है, और साथ में गुजिया और चटनी सब, तो बहुत ही मजा आ रहा है, पुरानी यादें जो है हमारी ताजा हो गई है। आखिर भगवान जीव दिया है, जुबान दिया है टेस्ट करने के लिए, टेस्ट करो। बुलटी खरीदा है, कोई खरीदा आज मेरे ऊपर नाम नहीं लग सकता है। बात कर रहा क्रियांश, क्रियांश वाह 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 वाह, बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इसके लिए आपको पुरस्कार दिया जाएगा। क्या चल रहा है खाना? प्याज कट रही है सलाद के लिए, नहीं कचरी। अच्छा कचरी बनेगा, किधर से भी काटो ना, धो लेना बाद में। क्या चल रहा है यहाँ पर, तैयारी चल रही है निकलने की, हेयर स्टाइल चल रहा है। हमको ये अच्छा लगता है, हेयर स्टाइल बनाना बट आता ही नहीं है, और अपने बालों में तो बना रहे हैं, दूसरे के बालों में बना देंगे, अपने बालों, अपने बालों में। अच्छा है तो बना दो, देखते हैं कैसा टूटी बनता है तुम्हारा। आप लोग को लगता है कि हम लोग भाभी बड़ी है हमसे, हम छोटे हैं। अच्छा तो आज जो है जी लग रहा है सूर्य देवता जो है नजर नहीं आ रहे हैं, आज जो है इंद्र देवता सामने आ रहे हैं, और लक्षण है बारिश की, तो जब बारिश हो जाएगी तो उम्मीद है उसके बाद शायद ठंड भी और अच्छा खासा हो जाए। और यहाँ पर जो है मौसम बड़ा ही बेहतरीन था, कुछ दिनों से जो है देख रहे थे धूप और बहुत ही सुनहरा मौसम, लेकिन आज देख रहे हैं ठंड है। आज भी घूमने निकलना था लेकिन हम नहीं निकलेंगे, हम क्रियांश को लेकर के रहेंगे, और कहें कि बहन को तुम अपनी भाभी को लेकर के जाओ, तुम लोग अपना घूमो, हम लोग यहाँ पर अपना देख लेंगे। और मम्मी को भी लेकर के नहीं जाना है, मम्मी का भी तबीयत सब जो है सही नहीं लग रहा था, अभी दिल्ली भी निकलना है, तो अभी भी ट्रिप में जो है लगभग 5-6 दिन बाकी है, तो सभी लोग स्वस्थ रहे तो अच्छा ही रहेगा। अच्छा अच्छा, जो टोके हैं उसके लिए। क्या हुआ क्रियांश,
बेचारा शांत लग रहा है जैसे कोई क्राइम किया है, पकड़ा गया है। 20 मिनट्स लेटर। झाड़ू जैसी पूछ प्यारा नंदू अपना। हमें देखो ये सब समझ में नहीं आता है, तुम लोग को जो करना है करवा। वहाँ पे जब हम लोग जाते हैं साथ में सारे यूट्यूबर आते हैं, सब अपनी बीवी का तारीफ करेंगे, एक ये छोड़ते हैं। अच्छा ठीक है, अपनी बीवी के आगे कारण हम आगे बढ़े हैं ये वो। नहीं कोई बात नहीं, हम बीवी का जो है उन सबसे चार गुना ज्यादा तारीफ करेंगे। इस बार मालूम चल जाएगा कि मेरी बीवी जो है मेरे लिए क्या है क्या नहीं है, सब कुछ है। नहीं नहीं इस बार अच्छी से तारीफ करेंगे हम। बोलना नहीं कि अब इतना भी ज्यादा तारीफ नहीं कीजिए। आप गाना गाइएगा, कितना प्यार तुझे रब ने बनाया। अच्छा तुम्हारा सलाद हो गया, कटा हुआ है वो भी बीच में। अच्छा उसके बाद क्या खाते हैं, खीरा सब भी है क्या? हाँ है। हाँ तो खीरा कट लेना बस थोड़ा सा मेरे लिए, बाकी सब कटता रहेगा। वाह चॉकलेट बहुत बड़ा वाला है, कौन खाता है ये चॉकलेट? अच्छा खत्म है। अच्छा बर्थडे तक करने के लिए रखे हैं। तो ये बार बताओ इसको हटाया क्यों नहीं गया यार? घर में एक किलो काजू बर्फी आया था, अब चार बचा उसमें से, अब वो पता चल रहा है कि वो खाएगा। उसमें लॉटरी उछाला जाएगा, जिसके नसीब में आएगा वो खा लेगा। वो तुम डलिया तोड़ दो पहले। अरे निशान काजू बर्फी खाया कि नहीं अपना? काजू बर्फी खा लो, चार ठो बचा हुआ है, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। खा लो जाके काजू बर्फी जो लाए थे, एक किलो में से चार काजू बर्फी बचा हुआ है। दादी थी ना, हम लोग को रावण बोलती थी खोरा खा का। अच्छा मेरी दादी बोलती थी अगर दो मिठाई कहीं से आता था, इधर हम लोग तीन बहन थे तो तोड़ के तीन टुकड़े हम लोग को देती थी। अच्छा पोता को एक दो। अच्छा मामा जी को पूरा एक मिलता था। हाँ माँ बोलती थी, मेरे फादर बोलते थे जो कि सबको बराबर दो, कहते थे तो बेटी छे बेटी। सिद्धि का हमें लगा था सिर्फ चार काजू बर्फी है, ये चार तो नहीं है, ज्यादा ही है। और ये मामी छिपा करके रखी थी अपने बेटे के लिए। वाह 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 वाह। चार हाँ। अच्छा बुल्टी जब निकल ही गया है तो ये काजू बर्फी हमको भी दे दो तो। तेरा दिन एक दिन ना चार के कारण कोई नहीं खा। मालूम रहा था कि और है, कब का उचार खत्म हो गया होता, बस एक दो ने खाओ। ये माँ से खाना खाने के अलावा सब कुछ करेंगे। तैयार हो गए हैं जी, ये लोग निकलने वाले हैं घूमने के लिए। जिया से तो तुम्हारी मुलाकात हुई सिलू, लगता है शादी के बाद पहली बार ही मुलाकात हुई है अपनी भाभी से। हाँ। 5 साल हो गया शादी को। 5 साल पहली बार मुलाकात हुई, तो बताओ कैसा लगा भाभी? शादी में हम गए भी नहीं थे भाभी के, आपकी शादी हुई थी तो हम गए भी नहीं। तो सारा दराज खोल दो, क्यों नहीं गई थी शादी में? और भाभी तुमको कैसे लगी सबसे पहले ये बात बता दो। आपको बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा? नहीं नहीं हमको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, तुम बोलो जो बोलना है। भाभी के बारे में हमने सुना था कि भाभी ऐसा काम नहीं करती है, बच्चे पे ध्यान नहीं देती है, परिवार में उसका ध्यान भी नहीं रहता है। अच्छा ठीक है, फिर हम भी जानने की कोशिश किए कि आखिर ऐसा क्यों है, कि भाभी क्यों नहीं ऐसा करती हैं। धीरे धीरे जब लोग को समय बीता जाता है वो जानने की कोशिश करता है कि आखिर ऐसा क्यों है। अच्छा। ठीक है तो भाभी यहाँ आई, हम भी जाने। अच्छा भाभी के बारे में ये भी बात सुननी क्या कि मतलब भैया ज्यादा अच्छे हैं, भाभी उतनी अच्छी नहीं? हाँ ये तो हम सुने ही ये थे। तुम बोली थी एक बात, इसलिए तुमसे पूछ रहे हैं। मेरा भैया ज्यादा अच्छा है, भाभी उतनी अच्छी नहीं। अच्छा ये सब, जिस हिसाब से मेरा भाई है उस हिसाब से भाभी नहीं मिली। अच्छा ये सब चीज है। और भाभी के बारे में सुनी, काम नहीं करती है, सासू माँ सब खाना वाना बनाती, ये सब चीज सुनी? ये सब चीज तो बहुत ही कॉमन सा चीज है, कॉमन चीज है ये सब। अच्छा अच्छा, लेकिन रियलिटी तुम बता दो क्या लगा तुमको? हमने सोचा था पहले कि लोग जो ये सब कहते हैं तो एक बार हम जाने कि आखिर भाभी है कैसी। क्या बिल्कुल सुनी सुनाई बातों पर भरोसा? सुनी बातें परसेप्शन नहीं रखना, परसेप्शन नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल 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 भी नहीं रखना चाहिए। फिर उस दिन हम भाभी और हमको लगता है कि हम और भाभी हम उम्र होंगे, हमें लगता है हम ही बड़े होंगे, वही छोटी होंगी, लेकिन ये हमसे बड़ी है तो ये मेरी भाभी होंगी। ठीक है भाभी ने भी मेरे लिए सुना होगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो तुमसे भी पूछेंगे सीलू के बारे में, पहले आज सीलू की बारी। ठीक है बहुत घुमा फिरा करके बात होगी, अब तुम सीधा पॉइंट पर आओ।
हाँ सच में हम आपको ज्यादा घुमाना नहीं चाहते हैं और हम बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि लोग भाभी ननद के बीच में भले कुछ भी नहीं हुआ लेकिन ऐसी ऐसी बातें डाल देंगे कि दोनों के रिश्तों में ये किसी भी दो रिश्ते के बीच में होता है। जब भी कोई तीसरा शख्स उसके बीच में आता है तो वो दिक्कत हो जाता है, फिर वो अच्छा बन जाता है और हम दोनों बुरे बन जाते हैं एक दूसरे के लिए। हमने जो सुनी सुनाई बातें थी उस पे भरोसा ना करके हम मिले भाभी से, हमको ये लगा कि दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता होता है भाभी और ननद का, भाभी और ननद का, क्योंकि दोनों वो उस फेज से गुजर रही होती हैं, वो भी कहीं से आती है और इनको भी कहीं जाना होता है। तो बस ये सबसे बेस्ट, जैसे एक बहन को छोड़ के आती है दूसरी बहन का रिश्ता होता है यहाँ पे, तो हमको तो बेस्ट जोड़ी लगी। तो कैसा लगा जिया के साथ, लगा कि नहीं तुमको बेस्ट जोड़ी या कुछ इस टाइप से? बहुत अच्छी भाभी, बहुत अच्छी भाभी है, बहुत अच्छी है। तो चलिए जी, जो बीच में पड़ते हैं ना वही खराब होते हैं, हमेशा देखिए अपने अपने ही होते हैं। अगर आप इसलिए अपनों के बीच में किसी को नहीं पड़ना चाहिए, आप किसी के बीच में आके दरार बनाते हो तो जो सच है वो एक दिन सामने आ जाएगा। कभी भी अपनों के बीच में मत पड़िए क्योंकि आप बुरे बन जाओगे, अपने जो है अपने ही मिल जाएंगे। उम्मीद करते जी ननद भाभी की यह जोड़ी जो है आपको कमाल की लग रही होगी और ये लोग तो घूमने निकल जाएंगे और आज के रियाज को हम संभालेंगे। जी हाँ, आज के रियाज को देखेंगे हम। तो आज हमारी परीक्षा होने वाली है, सभी लोगों की यहाँ पर परीक्षा होने वाली है क्योंकि जिया देख लिया करती थी, आज देखते हैं क्या हाल होता है हमारा। और फिलहाल जो हमारे यहाँ खाना भी लग गया है तो खाना भी खाते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जब भी हमारा कोई ब्लॉग आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।